डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। मेरा ये हर रोज़ का काम था। मैं दिन के वक्त कॉलेज में पढ़ाई करता और रात को इस ग्रॉसरी स्टोर में आता। मैं नाइट शिफ्ट किया करता था और यहाँ पर मेरा काम काफ़ी आसान था। मुझे यहाँ बस पूरी रात गुजारनी होती। रात के वक्त बहुत कम कस्टमर आया करते थे, लेकिन कभी कभी लोगों का जमावड़ा भी रात के 9-10 बजे यहाँ लगा ही रहता था। मेरी शिफ्ट 8 बजे शुरू हो जाया करती थी और सुबह 6 बजे तक वो चलती थी। भले ही ये 10 घंटे का काम था, लेकिन मेरी सैलरी दुगनी हुआ करती थी, जिससे मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी दे पाता था, इसी के साथ घर भी अच्छे से चला पाता था। मेरे दोस्त कहा करते थे, तुम नींद बहुत कम लेते हो, लेकिन मैं उन्हें कह दिया करता, नींद से ज़्यादा अच्छे पैसे होते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और ऐसा काम मुझे मिल गया था जहां से मैं पैसे कमा भी पा रहा था। हर रोज़ मैं 8 बजे यहां पर पहुंच जाता। कई बार यहां ट्रक आया हुआ होता तो उससे सामान अनलोड करवाना पड़ता। फिर उस सामान को इस बड़े से ग्रॉसरी स्टोर में मुझे अकेले को ही टिकाना पड़ता। रात की शिफ्ट में मेरे साथ ग्रेग भी हुआ करता था, या कहें हम दोनों एक साथ काम किया करते थे। ग्रॉसरी स्टोर में हम दोनों सिक्योरिटी गार्ड भी कहलाए जाते थे, इसी के साथ यहाँ काम करने वाले भी कहलाए जाते थे। कई बार कस्टमर आते, हम उन्हें प्राइस बताते। यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई थी, यानी जो भी यहाँ से सामान लेकर जाना चाहता है ना, उसे खुद ही स्कैन करना पड़ता था। उसके बाद वो अपने कार्ड से पेमेंट भी कर पाता था। यहाँ ग्रॉसरी स्टोर में दिन के वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, रात के वक्त कम लोग आते थे और 11 बजने के बाद तो मैंने कोई भी नहीं देखा जो यहाँ पर आता हो। मुझे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं और रात की शिफ्ट मुझे सबसे अच्छी लगती है। कई बार 1-2 बजे मुझे नींद भी आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। 2-3 घंटे की झपकी मैं ले सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे कई बार यहाँ के ओनर ने कहा भी है, अगर कोई कस्टमर ना आए तो तुम सो भी सकते हो, लेकिन सोना तुम्हें उस दरवाजे के पास पड़ेगा, ग्रॉसरी स्टोर का वो आगे वाला दरवाज़ा, ताकि कोई आ भी जाए तो तुम्हें जल्दी से उठकर अपना वो सामान टिकाना होगा और अगर वो कुछ मांगते हैं तो उन्हें देना होगा। ये ग्रॉसरी स्टोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके 6 सेक्शंस बने हुए हैं। पहले में सब्जियां और फ्रूट हैं, आगे वाले में बिस्किट और खाने की और चीज़ें हैं, पीछे वाले में कपड़े हैं। इस तरह 6 अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, काफ़ी बड़ा है। और आज रात भी कुछ अलग सी ही थी। ग्रेग आज आना नहीं चाहता था, उसको आज छुट्टी करनी थी क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो कहीं घूमने जाना चाहता था। मैंने भी उसे कह दिया था, कोई बात नहीं, मैं इस ग्रॉसरी स्टोर को अकेला ही संभाल सकता हूँ। लेकिन रात के 9 बजे यहाँ ऐसा माहौल हो रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। मैंने जल्दी से मोबाइल चेक किया, वहाँ पर वेदर रिपोर्ट में तो बताया नहीं गया था कि ऐसा कोई बादल आने वाला है या तूफान आने वाला है। बादल घिर चुके थे, बिजली कड़कड़ा रही थी। कई बार ऐसा होता है, वेदर रिपोर्ट में बताया नहीं जाता और यहाँ ढेर सारी बारिश होनी शुरू हो जाती है। बाहर रखा हुआ सामान जल्दी जल्दी मैं अंदर समेटना चाहता था। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड रखा हुआ था जिसमें लॉटरी की टिकट्स रखी जाती थी। आगे शीशा लगा दिया जाता था और ताला लगा दिया जाता था। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और पूरी रात इस तरह उसे आगे लगाए रखना पड़ता था। पास में कई सिगरेट की खाली डिब्बियाँ रखी जाती थी। कई ऐसे जो सिगरेट पीना पसंद करते हैं, इन सिगरेट को देख कर रुक जाते हैं और रात के वक्त भी हम यहाँ कुछ बेच पाते हैं। मैंने जल्दी जल्दी वो सारा सामान अंदर कर दिया। धीरे धीरे हवा काफ़ी तेज़ होने लगी थी। वो कड़कड़ाती बिजली
काफी ज्यादा तेजी से आवाज कर रही थी। वो आवाज चारों तरफ गूंजे जा रही थी और मैंने वो जो बाहर वाले दरवाजे थे एक तरफ के लॉक कर दिए। कई बार यहाँ पर तूफान आता है और उस तूफान की जो हवाएं होती हैं वो ग्रॉसरी स्टोर के अंदर तक आती हैं। इस कारण जो सामान टिकाया हुआ होता है वो गिरने लगता है, और जब सामान गिर जाता है सुबह की शिफ्ट जो बदलने वाली होती है उससे पहले पहले सामान टिकाना पड़ता है। कई बार यहाँ तूफान आ चुका है, अंदर सामान गिर जाता है और पूरी रात लग जाती है मुझे उस सामान को टिकाने में। लेकिन अगर पीछे वाला वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए उसके बाद यहाँ हवाएं अंदर तक नहीं आती, सामान नहीं गिरता और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे हवाएं काफ़ी तेज़ होने लगी थी। पीछे वाला दरवाज़ा मैं बंद कर चुका था और अब मैं जानता था हवा अंदर नहीं आएगी, लेकिन कड़कड़ाती हुई बिजली पड़ती गई, हवाएं तेज़ होती गई और बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि दूर दूर तक कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। मैं बस इंतज़ार कर रहा था आखिर कब ये बारिश रुकेगी। वैसे आसपास के जितने भी स्टोर थे, रेस्टोरेंट थे, सभी बंद हो चुके थे। रात के वक्त बहुत कम ऐसे स्टोर होते हैं जो खुले होते हैं। हमारा ये ग्रॉसरी स्टोर 24/7 चलता है, यानी कि पूरी रात और पूरा हफ्ता चलने वाला। रात को यहाँ लोग तो नहीं आते, लेकिन ये पॉलिसी है कि रात को इसे खोलना ज़रूर पड़ता है, इसीलिए मैं और मेरा साथी यहाँ पर काम करते हैं। आज जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही थी मैं एक कुर्सी पर बैठा ये देखे जा रहा था कि अब तो कोई आने वाला नहीं। इतनी तेज़ बारिश, आखिर यहाँ तूफान कैसे आ गया? कोई भी घर से बाहर निकल नहीं रहा होगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कई बार तो बादलों से कड़कड़ाती बिजली यहाँ आसपास ही पड़ रही थी और मैं छलांग लगा बैठता। मुझे कड़कड़ाती बिजली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बचपन में शायद मेरे चाचा जी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। वो मुझे डराया करते थे कि बिजली मुझ पर पड़ जाएगी और मैं मरा जाऊँगा। जब भी मेरे पिता दूर होते मेरे चाचा मुझे डराने लगते, और आज तक वो डर मेरे अंदर घर कर चुका है। कड़कड़ाती बिजली से बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ मैं, और बाहर तो ऐसा लग रहा था आज बिजली यहीं पर मुझे मारने के लिए आई हुई है। बार बार आसपास के कहीं खेत पर बिजली पड़ जाती और मैं डर सा जाता। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं इस ग्रॉसरी स्टोर को बंद करके भी नहीं जा सकता था। बस कुर्सी पर बैठा बार बार कानों पर मैं हाथ रखता रहता। अचानक ही घंटी बजने की आवाज़ आई। ये घंटी हमने बाहर वाले दरवाजे पर लगाई हुई है, यानी कि यह साधारण सी घंटी है जिसे एक धागे के साथ बांधा गया है। जब भी कोई वो आगे वाला दरवाज़ा खोलता है तो वो घंटी बज जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई कस्टमर हमारे स्टोर के अंदर आ चुका है। पहले तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, इतनी तेज़ बारिश, आखिर यहाँ कौन आएगा? लेकिन हो सकता है किसी ने गाड़ी पास में ही पार्क की हो और वो बहुत ज़्यादा डर रहा हो, बिजली काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हो, इसीलिए वो इस ग्रॉसरी स्टोर में छिपने के लिए आया हो। मैं जल्दी से चलता चलता बाहर वाले दरवाजे के पास गया। मैंने देखा एक लड़का जिसकी उम्र 15 साल होगी, उसने काफ़ी पुराने से कपड़े पहने हुए थे और उसके सभी कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे। मैं उसकी तरफ जा रहा था कि शायद उसे कोई मदद चाहिए होगी, लेकिन जैसे ही उसने उस ट्रॉली को पकड़ा मैं समझ गया ये तो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया है। जो कोई शॉपिंग करने के लिए आता है तो उसे मैं परेशान बिल्कुल नहीं करता, अगर कोई मदद मांगे तो मैं मदद ज़रूर करता हूँ। फिर उसे ट्रॉली पकड़े हुए देख मैं वापस चलकर उस कुर्सी की तरफ आ गया। मैंने देखा वो ट्रॉली को पकड़कर कुछ सामान ढूंढ रहा था। गीला बहुत ज़्यादा हो चुका था, फिर भी शायद कोई खाने पीने का सामान ढूंढ रहा हो, लेकिन मैं बस वहाँ खड़ा उसे देख ही पा रहा था। वो पहले सेक्शन में ही इधर उधर घूमने लगा और अब वो आगे वाले रैक में चला गया था, तो मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल चलाना शुरू किया। मैंने ध्यान दिया मोबाइल पर रेंज आना बंद हो गई थी। अक्सर ऐसा होता है जब तूफान आ जाते हैं तो बिजली का कट भी लगता है, इसी के साथ मोबाइल की रेंज भी उड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी बैटरीज रखी गई हैं जिससे इस ग्रॉसरी स्टोर के अंदर लाइट जलती ही रहती है पूरी रात, भले ही कोई तूफान आ जाए या यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए। यहाँ बारिश इतनी तेज़ हो रही थी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और मैं कुर्सी पर बैठा अब मोबाइल भी नहीं चला सकता था। मोबाइल मैंने एक तरफ रख दिया। उसके बाद मैं सोचने लगा
अपने किसी दोस्त से बात ही करता हूँ, यहाँ लैंडलाइन लगा हुआ था, अब मैं दूसरी जगह पहुँचा, ये कैश काउंटर था, उसके पास ही फ़ोन रखा हुआ था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं थी, शायद रास्ते में कहीं तार टूट गई होगी। अब ये एक परेशानी का सबब बन गया था, ना तो मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता था, ना लैंडलाइन का इस्तेमाल कर सकता था। अब बस पूरी रात यहीं पर बोर होना था, और एक कस्टमर भी आ गया है, जब तक ये कस्टमर यहाँ पर सामान ढूंढता रहेगा मैं सो भी नहीं सकता। इसीलिए कैश काउंटर से उठकर मैं पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया। लगभग 15 मिनट बाद मैंने देखा वो पहले सेक्शन से अपनी ट्रॉली लेकर आगे बढ़ा, उसकी वो ट्रॉली खाली थी, शायद उसने अब तक कुछ भी लिया नहीं था, और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मुझे कि जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो उसे मिल नहीं रहा। फिर वो सेक्शन 2 में चला गया, वहाँ पर भी इधर उधर घूम रहा, चीज़ों को उठा रहा, फिर से रख रहा, ऐसा लग रहा था वो भटका हुआ है, जो उसे चाहिए वो मिल नहीं रहा। और मुझे अब लगा कि उसकी जाकर मदद करनी चाहिए, तो मैं चलता चलता उसके पास गया। अब मैंने उससे पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ ढूंढ रहे हो, शायद तुम्हें मिल नहीं रहा, मुझे बताओ, मैं बताता हूँ तुम्हें किस जगह वो रखा हुआ है। फिर वो मेरी आंखों की तरफ देखने लगा, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसने अपने कपड़ों की तरफ नज़र मारी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इस तरह से कन्फ्यूज क्यों है। फिर वो चीज़ों को उठा उठा कर देखने लगा, जैसे भूल गया हो कि मैंने उससे कोई सवाल भी पूछा है। फिर से मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तुम कुछ ढूंढ रहे हो, बताओ मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ रखा है। मेरी ये आवाज़ सुनकर फिर से वो घबरा गया, मेरी तरफ देखने लगा, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि कोई उससे बात करेगा। फिर वो इधर उधर झांकने लगा, जैसे किसी से डर रहा हो। मेरे थोड़ा सा करीब आया और करीब आकर कहने लगा, मुझे कैचअप चाहिए, टोमेटो कैचअप। ये सुनकर मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, मुझे लगा था वो इतना डरा हुआ है कुछ और बात करेगा जैसे मेरे करीब आया है, लेकिन डर कर उसने मांगा क्या है, टोमेटो कैचअप। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन डरा हुआ था, चेहरा उसका पूरी तरह से उतरा हुआ था, फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की, होंठ थोड़े से खींचे और उसके दांत नजर आए। ये नकली हंसना कहलाया जाता है। मैं अब क्या कर सकता था, मैंने कहा, वो कैचअप पीछे है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो हमने ये ईटेबल सेक्शन में नहीं रखा है, वो पीछे खपड़ों वाले सेक्शन में रखा है, ओनर कहते हैं कि वहाँ पर कैचअप रखो, पता नहीं पीछे थोड़ा स्पेस ज़्यादा था, तो चलिए मेरे साथ, वहाँ तुम्हें दिखाता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। उसके बाद जब हम उस कैचअप वाले सेक्शन में गए, वो बहुत ज़्यादा खुश, उसके चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट आ गई थी, और उसने 5-6 बड़ी बड़ी बोतलें कैचअप की उठाई और ट्रॉली में रखी, मेरा धन्यवाद किया और फिर कहा, मैं आगे वाली चीज़ें खुद ढूंढ लूँगा। मैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, फिर वो और चीज़ें ढूंढने लगा, इधर उधर घूमने लगा, और फिर से यहाँ बहुत ज़्यादा सेक्शन है, कई जगह पर अगर ट्रॉली लेकर आप चले जाएं तो इस कुर्सी से हर जगह देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है। कुछ समय वो घूमता रहा, 10 मिनट बाद फिर से वो ईटेबल सेक्शन में आया। मैंने देखा उसकी ट्रॉली फिर से खाली, उसने वहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ था। पहले तो वो टोमेटो कैचअप ढूंढ रहा था, अब उसने टोमेटो कैचअप कहीं रख दिए, पहले मांग ही क्यों रहा था, मैं ये सोचने लगा। और फिर से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, इधर उधर झांके जा रहा, आगे देखे जा रहा, पीछे देखे जा रहा। फिर वो आगे वाले सेक्शन में गया, जहाँ पर सब्जियाँ रखी हुई थी और खाने का चीज़ें रखी हुई थी, वहाँ वो ढूंढने लगा, इधर गया उधर गया, वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हुआ पड़ा था। मुझे लगा फिर से उसकी मदद करनी चाहिए, शायद कुछ और ढूंढ रहा होगा। मैं उसके करीब गया, मैंने जैसे ही उसको कहा, आपको कुछ और चाहिए, वो बिल्कुल हैरान हो गया, डर गया। मुझे देखकर वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगा, अपने कपड़ों की तरफ देखकर वो डरा सहमा सा इधर उधर देखकर और चीज़ उठाकर उसको देखना शुरू हो गया। फिर से मैंने उसको कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको कुछ और चाहिए, मैं आपकी मदद करूँ। वो फिर से घबराया, उसके बाद उसने इधर उधर देखा, मेरे करीब आकर कहने लगा, मुझे टोमेटो कैचअप चाहिए। टोमेटो कैचअप कहाँ पर है, मुझे टोमेटो कैचअप चाहिए, टोमेटो कैचअप कहाँ पर है। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने उससे कहा, आपको दिए तो थे,
वो ईटेबल सेक्शन के आगे जो कपड़ों वाला सेक्शन है वहाँ मैंने आपको बताया तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, जैसे किसी से बहुत ज़्यादा डरा हो, लेकिन मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा। शायद किसी और चीज़ से वो डर रहा है, किससे डर रहा है और कैचअप वो कहाँ पर रख कर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कस्टमर से बहस करने की, क्योंकि इससे हमें नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। कोई कस्टमर अगर हमारी कंप्लेंट कर दे उसके बाद हमारे लिए परेशानी हो सकती है। कंपनी के रूल बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो मैं अब उससे झगड़ा भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसे बस यही कहा, आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर से मैं पीछे उसे लेकर गया, वहाँ टोमेटो केचप की तरफ। जैसे ही मैंने उंगली की वो भाग कर गया, 3-4 बोतलें उसने ट्रॉली में रखी, मेरा धन्यवाद कहा और अब वो असली दिल से मुस्कुरा रहा था। फिर से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने कहा, बाकी मैं कुछ लेना चाहूँगा तो खुद ले लूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी आपको बता दूँगा। ये उसने कहा और ट्रॉली लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। अब वो कुछ और ढूँढ रहा था। मैं फिर से कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब मुझे काफ़ी अजीब सा लगा था कि कैसा भुलक्कड़ सा है, भूल गया, मैंने उसे बताया तो था यहाँ पर है केचप, उसको दिए भी थे, फिर से कहीं पर रख कर आ गया। 10 मिनट वो इधर उधर घूमता रहा, जैसे ही फिर से कैश काउंटर की तरफ आने लगा उसकी वो ट्रॉली खाली थी। उसका चेहरा उतरा हुआ, कुछ ढूंढ रहा था, बार बार इधर उधर भटकता हुआ। मुझे लगा ये केचप फिर से छोड़कर आ गया और क्या ढूंढ रहा है, कहीं फिर से केचप तो नहीं ढूंढ रहा, ये गजनी तो नहीं जो बार बार भूलता जा रहा है। अब मैं चलता हुआ उसके करीब गया, मैंने उसको कहा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको केचप चाहिए ना। ये सुनते ही वो हैरान हो गया, वो घबराया हुआ था लेकिन हंसने की नकली कोशिश कर रहा। उसकी घबराहट देखकर मैंने उससे और सवाल किया, तुम किससे डर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा डरे डरे से लग रहे हो, बताओ मुझे, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। वो कुछ कहना तो चाहता था लेकिन बार बार बाहर की तरफ देखे जा रहा। बाहर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, आंधी भी बहुत तेज़, तूफान ही बना हुआ था, बस बाहर नज़रें और घबरा रहा। अब मैं थोड़ा सा चिढ़ गया था तो मैंने कहा, तुम्हें टोमेटो केचप चाहिए ना। उसने कहा, हाँ हाँ टोमेटो केचप चाहिए, मिल नहीं रहा, कहाँ पर है। मैंने कहा, चलो मेरे साथ। अब मैं उसे टोमेटो केचप वाले उस सेक्शन में लेकर गया। वहाँ 4-5 बोतलें मैंने ट्रॉली में रखी और कहा, चलो मैं बिल करता हूँ, पहले इसे बिल करवा लो, फिर कुछ और लेना हो तो वो ले लेना। वो मना कर रहा था, वो कह रहा था मुझे और सामान लेना है। मैंने कहा, पहले ये बिल करवाना होगा, तुम बार बार ये चीज़ उठा रहे हो और कहीं रख कर आ रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम इसे बिल करवाओ और इसे बाहर कहीं रखो। वो ज़िद नहीं कर रहा था, घबराया हुआ और मेरी बात मान गया। जैसे ही उसे मैं ट्रॉली लेकर वहाँ कैश काउंटर तक लेकर आया, वहाँ वो और ज़्यादा घबरा गया। मैं अब उस बोतलों को वहाँ स्कैन कर रहा था और बिल बना था $60 का। मैंने उसको कहा, $60 आपको ये पे करने होंगे, कैश पे करेंगे या कार्ड से पे करेंगे। और वो घबरा कर जेब में हाथ डालकर कहने लगा, मेरे पास तो ये हैं। उसके पास $100 का नोट था लेकिन काफ़ी ज़्यादा गला हुआ, फिर भी चल सकता था। उसने मेरे हाथ में $100 थमाए, मैंने एक लिफाफे में उन बोतलों को डाल दिया। मैं अब कैश काउंटर में, अब मैं $100 को वहाँ डालकर उसको बाकी के डॉलर देना चाहता था, लेकिन वो जल्दबाजी में उस लिफाफे को लेकर बाहर वाले दरवाजे से भाग गया। वो उस बारिश में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस हाथ में उन बकाया राशि को पकड़े ऐसे देख रहा था कि वो कब आएगा लेने, वो लेने ही नहीं आया। अब लोग टिप देकर जाते हैं लेकिन कभी भी इतनी टिप देकर नहीं जाते, ये तो लगभग 30-40% की टिप हो गई। मैंने अब उसे जेब में डाल लिया कि अगर वो वापस आया लेने के लिए तो मैं वापस कर दूंगा, शायद वो गलती से यहाँ छोड़ गया, शायद वो किसी से डरा हुआ है। फिर मैं अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब मैं कुर्सी पर इंतज़ार कर रहा था कि कोई नया ग्राहक ना आ जाए, कस्टमर आएंगे तो फिर से मेरा समय बर्बाद होगा। अगर 1 घंटे तक कोई नहीं आया ना, छोटी सी झपकी ज़रूर लगा लूँगा। आंखें बंद हो रही थी, दिन के वक्त कॉलेज जाना पड़ता था और रात को यहाँ ग्रॉसरी स्टोर में पूरी रात मुझे काम करना पड़ता था, इसीलिए थोड़ी झपकी यहीं पर मैं लगा लिया करता था। कुछ देर मैं वहाँ बैठा था, इंतज़ार कर रहा था कोई ना आए। अचानक घंटी की आवाज़, कोई शायद बाहर से अंदर आया था। फिर मैं उठा देखने के लिए कि अब कौन आया है, कहीं वही लड़का तो नहीं। जब मैं बाहर गया
तो उस दरवाजे से अंदर एक बूढ़ी औरत आई थी। उसकी उम्र 80 साल के करीब होगी। पीठ पर उसके कुबड़ निकला हुआ था, हाथ में उसने डंडा पकड़ा हुआ था, बड़ा सा चश्मा पहना हुआ, उसका मांस काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। मुझे देखकर ही वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, काफ़ी जवान नज़र आते हो। ये कहकर वो उस ट्रॉली को पकड़कर सामान ढूंढने लगी। मैं पहले तो मुस्कुराया। कई यहाँ पर कस्टमर आते हैं जो बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, लेकिन एक चीज़ ने मुझे हैरान किया था कि उस बूढ़ी औरत के जो कपड़े थे ना, ज़रा भी गीले नहीं थे। उसके पास कोई छतरी नहीं थी। वो अगर बाहर से आई है तो उसके कपड़े गीले होने चाहिए, ज़रा भी गीले नहीं थे। मैं सोचने को मजबूर हो गया, कहीं पास में ही गाड़ी तो पार्क नहीं की उसने, लेकिन गाड़ी की कोई लाइट्स तो जल नहीं रही थी। उसने आस पास कहाँ से एंट्री की, ये भी समझ में नहीं आया। बाहर बारिश इतनी तेज़ और कड़कड़ाती बिजली ने मुझे एक बार डरा दिया। मैं भागा अंदर की तरफ कुर्सी पर बैठने के लिए। अब कुर्सी पर मैं बीच में बैठा करता था, वहाँ सबसे कम बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मैं अब उस दरवाजे के पास नहीं जाना चाहता था। अपने चाचा जी की बातें मुझे याद थी, कहीं यही उस कांच के दरवाजे को तोड़कर बिजली मुझे मार ना दे। मैं तो भागा अंदर की तरफ। वो बूढ़ी औरत ट्रॉली को लिए धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। अब मैं इंतज़ार कर रहा था वो बूढ़ी औरत कब बाहर की तरफ आएगी। वो उस सेक्शन में शॉपिंग कर रही थी जहां पर मैं इस कुर्सी पर बैठकर देख नहीं सकता था। कुछ देर बाद उस कपड़ों के सेक्शन से बाहर की तरफ आती हुई वो बूढ़ी औरत मुझे नज़र आई। उसका हाथ अपने गले पर था। वो ऐसे कर रही थी जैसे उसको सांस ना आ रही हो। मैं एकदम शॉक में आ गया। आखिर वो क्या कर रही है? वो इस तरफ भाग रही थी। वो ट्रॉली को भी आगे की तरफ घसीट रही, अपने हाथ को गले पर रखे हुए, जैसे उसे सांस ना आ रही हो। एकदम वो बिल्कुल बीच में आकर जमीन पर गिर गई। वो तड़प रही थी, वो कांप रही थी। शायद कुछ ना कुछ उसने मुंह में डाल लिया होगा जिस कारण उसे सांस नहीं आ रही है। मैं भागा उसकी तरफ, जल्दी से उसे सांस देना चाहता था, उसे पकड़कर पूछना चाहता था आखिर उसे क्या हुआ है। मैंने उसे उठाया। जब वो गले पर हाथ रखे हुए थी, तभी मेरे हाथों में ही उसने जैसे दम तोड़ दिया। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, वो लाश बन गई थी। जेब से मैंने मोबाइल निकाला, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहता था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। भागा मैं रिसेप्शन की ओर। वहाँ कैश काउंटर के पास एक लैंडलाइन पड़ा है। जैसे ही मैंने कॉल लगाने की कोशिश की, कनेक्टिविटी नहीं थी। क्या करूँ मैं, कैसे मदद करूँ उसकी? वो तो बिल्कुल सांस नहीं ले रही है, जैसे मर गई हो। क्या उसे सांस देने की कोशिश करूँ मुंह के ज़रिए? क्या उसकी छाती पर दबाकर उसके फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश करूँ? फर्स्ट एड मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने कई वीडियोस देखी हैं कैसे मुंह से सांस दी जाती है, फेफड़ों को दबाया जाता है और इंसान जिंदा हो जाता है। मैं फिर से भागा उस बूढ़ी औरत की तरफ ताकि उसे किसी तरह मैं बचा पाऊँ। मैं जब उस जगह पहुँचा ना तो वो ट्रॉली वहाँ पर मौजूद थी, ना वो बूढ़ी औरत। वहाँ कोई भी नहीं था। मैं आवाज़ लगाकर ढूंढने लगा। कभी मैं इधर जाता, कभी मैं उधर जाता, हर जगह मैं ढूंढता ही गया। आखिर वो बूढ़ी औरत कहाँ पर चली गई? मैं ग्रॉसरी स्टोर के हर सेक्शन में भागा भागा फिर रहा था, कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। मैं बहुत समय ढूंढता रहा, 15-20 मिनट पूरा ग्रॉसरी स्टोर छान मारा मैंने, वो दिखी ही नहीं। जब मैं बिल्कुल आगे पहुंचा, मैंने ट्रॉली गिनने की कोशिश की तो पूरी ट्रॉली आगे लगी हुई थी। वो बूढ़ी औरत यकीनन यहाँ पर आई, उसने ट्रॉली लगाई और क्या वो बाहर चली गई? क्या वो सामान चोरी करके भाग गई? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से अगर बिना बिल करवाए कोई सामान बाहर लेकर जाए ना, तो यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, कैमरे में भी तो आ जाएगा ना। मैं जल्दी से कैमरे में चेक करता हूँ वो बूढ़ी औरत कहाँ पर गई। जैसे ही मैं DVR रूम में गया, कैमरे चेक करने लगा, कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा, सभी कैमरे बंद थे। मैं चेक किए जा रहा आखिर ऐसा क्यों है, फिर मुझे पता चला इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये ग्रॉसरी स्टोर में लाइट बैटरी से आ रही थी, तूफान के कारण शायद लाइट भी कुल हो चुकी थी। अब घबराया हुआ मैं बाहर आया। आखिर वो बूढ़ी औरत कहाँ पर चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने एक बार बाहर का वो दरवाज़ा खोलकर झांकने की कोशिश की थी, लेकिन
इतनी तेज हवा, मेरे चेहरे पर वो छोटी छोटी बूंदें गोलियों की तरह पड़ रही थी। दर्द हो रहा था, हवा इतनी ज़्यादा तेज थी, तूफान चल रहा था। तूफान, मैं एक झटके में पीछे की तरफ हिला था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर मैं बाहर खड़ा रहा ना, हो सकता है वो हवा मुझे खींचकर बाहर ले जाए। और बिजली से तो मैं वैसे भी डरता हूँ। दूर दूर तक कुछ नहीं देख पा रहा था मैं। वो बारिश की बूंदें इतनी मोटी मोटी थी जैसे बाहर चादर ही बना रखी थी। पानी भी काफ़ी ऊपर तक भरने लगा था। ऐसा लग रहा था बादल ही फट गया हो। मुझे लगा अब मैं क्या कर सकता हूँ, चुप करके मुझे कुर्सी पर जाकर बैठ जाना चाहिए। तो मैं चलता चलता कुर्सी की तरफ गया, कुर्सी पर बैठ गया। अब मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो बूढ़ी औरत बिना बताए भाग गई। पहले तो मुझे लग रहा था शायद उसे सांस नहीं आ रही, शायद वो मर ना गई होगी, शायद वो किसी न किसी चीज़ को चुरा कर भागी होगी। अब बूढ़े लोगों पर भी यकीन नहीं कर सकते, जिनके कूबड़ निकला हो उनके भी नहीं। तभी घंटी की आवाज़ आई, फिर से कोई बाहर से अंदर आया था। मैं चलकर अब उस तरफ जाने लगा, देखूं तो सही अब कौन आया है। आज रात इस तूफान में लोगों को चैन है ही नहीं, अब भी आए जा रहे हैं। ध्यान दिया मैंने, ये बूढ़ी औरत थी। वही बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई अंदर की तरफ आ रही। अब मैं भागकर उसके पास गया और पूछने लगा, क्या हुआ था आपको, आप बाहर की तरफ क्यों भाग गई? वो मुस्कुराई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने एक ट्रॉली को पकड़ा, वो शॉपिंग करने के लिए अंदर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल गई हो अभी क्या क्या हुआ, अभी तो उसे सांस तक नहीं आ रही थी। अब मैं एक बात तो समझ गया, हो सकता है पहले ये चोरी करके गई हो, दोबारा चोरी करने के लिए आई हो। इसे लगा शायद मुझे पता नहीं चलेगा, अब इसके पीछे पीछे घूमता ही रहूँगा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो कपड़ों वाले उस सेक्शन में चली गई, उसके बाद वो कई कपड़ों को देख रही थी, बार बार अपने लगा कर देखे जा रही। अब उस बूढ़ी औरत की उम्र 70 साल से 80 साल होगी। कूबड़ निकला हुआ था, शरीर पूरी तरह से लटका हुआ था उसका, लेकिन वो शॉर्ट ड्रेस देखे जा रही। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी बेटी या अपनी बेटी की भी बेटी के लिए कपड़े देख रही हो। काफ़ी छोटे छोटे कपड़े देख रही, लेकिन खुद के लगा कर देख रही वो। ये ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं रखे गए, लेकिन डेली यूज़ के ऐसे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। वो एक एक करके उन कपड़ों को लगा कर देख रही, कुछ तो मेंस सेक्शन के उन कपड़ों को उठा उठा कर चेक किए जा रही। मुझे एक बार ये लग रहा था कि इसे डांटूं कि ये क्या कर रही हैं, लेकिन फिर इस कंपनी के रूल याद आ जाते। वो कपड़ों को देखती गई देखती गई, उसके बाद अचानक अजीब तरह से सांस लेने लगी। उसकी ट्रॉली पूरी तरह से खाली थी, लेकिन वो सांस ऐसे ले रही जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने अपना एक हाथ गले पर रखा और भागने लगी बाहर की तरफ। उसने वो ट्रॉली पकड़ी हुई थी और आगे की तरफ भाग रही। उसे जैसे सांस ना आ रही हो, मैंने वहीं से आवाज़ लगाई, आपको फिर से कुछ हुआ है? वो बिल्कुल उस स्टोर के बीच में जाकर गिर गई और उसे सांस ना आ रही। मैंने जल्दी से उसे पकड़ा, उसकी नब्ज चेक की, उसका गला चेक किया, उसका मुँह खुलवाया। उसे सांस नहीं आ रही थी, उसका पूरा रंग पीला फिरता जा रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे लगा उसकी छाती को दबाना होगा ताकि उसे सांस आए। शायद कुछ ना कुछ तो है जो उसके गले में फंसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ, शायद उसे याद भूल गया हो। अब बूढ़े लोगों को याद भूल जाता है ना। मैंने छाती दबानी शुरू की और दो बार जब मैंने छाती दबाई, उसकी छाती अंदर की तरफ पिचक गई। अब हड्डियाँ भी पिचक गई थी, मुँह से निकला खून, और वो बिल्कुल नहीं हिल रही। मुझे लगा ये तो मारी गई, ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे ही तो फेफड़ों को दबाते हैं ना, फिर मुंह में सांस भरते हैं। मैंने भी छाती दबाई, इसकी तो छाती पिचक गई। रोना निकल रहा था मेरा रोना, अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, मैं तो इसे बचाना चाहता था ना। घबराया घबराया मैंने जेब से मोबाइल निकाला, मोबाइल की रेंज नहीं आ रही। मैं सोच रहा था एम्बुलेंस को जल्दी से यहाँ पर बुला लूँ, पुलिस को बुला लूँ, क्योंकि अगर पुलिस को नहीं बुलाया ना, कल परेशानी बढ़ जाएगी और हो सकता है मुझ पर कत्ल का केस पड़ जाए।
मैं जल्दी से भागा रिसेप्शन की ओर और कैश काउंटर पर वो लैंडलाइन फोन से फोन करने की कोशिश की। वहां फिर से वैसा ही हाल, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। इस तूफान ने क्या कर दिया है, अब मैं किसे बताऊं? ये तूफान तो मेरे लिए मुसीबत बनकर आया है। मैं भागा उस औरत की तरफ, चाहे जो हो जाए, बारिश में मुझे बाहर निकलना पड़े। ये किसी न किसी गाड़ी से आई होगी ना, इसे गाड़ी में बिठा कर अस्पताल में लेकर जाता हूँ। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, वो औरत गायब हो चुकी थी, वहां कोई नहीं था। इस चीज ने मुझे चकरा कर रख दिया, ना तो खून की बूंद थी वहां, ना वो औरत। ये कहां चली गई, कौन उठा कर ले गया? अब खुद तो चलकर गई नहीं होगी। क्या हुआ, कहां गई वो? मैं हैरान और परेशान, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। मैंने ट्रॉली गिनी, ट्रॉली पूरी थी। शायद कोई यहाँ आया जिसने वो ट्रॉली वहाँ रखी और वो उस बूढ़ी औरत को उठा कर ले गया, या बूढ़ी औरत मुझे बेवकूफ़ बना रही थी और चलकर यहाँ से गई। क्या किसी की छातिया से पिचक सकती है, उसके तो फेफड़े भी दब गए होंगे, बिल्कुल उसकी हड्डियाँ पिचक गई थी। क्या हो रहा है आज, ये कैसा तूफान है, क्या ये सच है या कोई सपना? चार पाँच चमाटे लगाई थी मैंने अपने आप के, लेकिन तब समझ गया ये सपना नहीं, ये सच्चाई है और यहाँ कुछ तो हो रहा है। शायद ये भ्रम मुझे लग रहा है, वो बूढ़ी औरत मुझे डराने के लिए आई थी। वो जिंदा थी या नहीं? तभी बाहर घंटी की आवाज़ आई और जैसे ही मैंने अपना सर घुमाकर उस दरवाजे की तरफ देखा, वो बूढ़ी औरत उस दरवाजे से अंदर की तरफ आ रही। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही सलामत लग रही थी और उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा जलता हुआ आ रहा हो। उसने वो ट्रॉली पकड़ी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए आगे बढ़ गई। अब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इससे सवाल करने होंगे। मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया और कहने लगा, देखिए आपको कोई सांस की बीमारी है, अभी अभी आप सांस नहीं ले पा रही थी, यहीं पर गिरी थी और मैंने आपको सांस देने की कोशिश की, दोबारा मैं वैसी कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन आप कहाँ गई थी, इतनी जल्दी बाहर की तरफ कैसे भागी? वो कुछ नहीं कह रही, उसने बस एक ही बात कही, वो भी कुछ देर बाद, मुझे थोड़ा सा सामान लेना है, मैं वो सामान ले लूं। मैं इतने सवाल पूछ चुका था, उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो कहे जा रही थी मैं सामान लेने के लिए आई हूँ, सामान ले लूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन मैं भी अड़ गया। रुकिए, पहले आपको बताना होगा, आप पहले भागी कहाँ थी? उसने कहा, मैं नहीं भागी थी। मैंने कहा, भागी? आपको सांस की परेशानी है ना, सांस नहीं आ रही थी, आपको गला पकड़ना पड़ा, कुछ गले में तो नहीं फंसा? फिर वो हंसते हुए कहने लगी, ऐसी परेशानी पहले भी आ चुकी है, मेरे ये दांत नकली हैं, कई बार मैं थोड़ा हंस देती हूँ या किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती हूँ, तो ये जो मेरे दांत है ना, ये फिसल कर गले में चले जाते हैं। बहुत समय पहले गले में मेरे वो दांत फंस गए थे, मेरे पति ने मेरा पेट दबा दबा कर वो दांत बाहर निकाले थे। सांस नहीं आती अगर ये दांत गले में चले जाएं, क्या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? लेकिन मैं यहाँ पहले तो कभी नहीं आई, इस तूफान में अभी आने का मौका मिला है। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, शायद जैसे मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, तूफान का फायदा उठाया जा रहा है। मैंने उस बूढ़ी औरत को कहा, जी नहीं, आप कुछ नहीं ले सकती। अब किसी को पता कैसे चलता, एक तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो शायद भुलक्कड़ भी थी, किसी को बता नहीं पाती, कैमरे भी नहीं चल रहे, अगर मैं उसे भगा दूँ किसी को पता तक नहीं चलेगा। अब मैंने उसको कह दिया, आपको यहाँ से जाना होगा, आप यहाँ सामान नहीं ले सकती, ये स्टोर बंद हो गया है, आपको जाना होगा। वो कह रही थी उसे थोड़े से कपड़े लेने हैं, मैंने कहा, नहीं आप कपड़े ले ही नहीं सकती, आपको बाहर जाना होगा। ये कहकर मैं उसको बाहर तक छोड़ कर आया। वो कह रही थी, मैं थोड़े कपड़े लेना चाहती हूँ। मैं उससे पूछता रहा, आपकी गाड़ी कहाँ है बताइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़कर आता हूँ। उसने कहा, गाड़ी तो मैं कभी खरीद ही नहीं पाई, कभी भी इतनी मेहनत कर नहीं पाई कि गाड़ी खरीद हो पाए। कोई बात नहीं, तुम कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते तो मैं चलती हूँ।
वो उस बारिश में चलती चलती कहीं लोप ही हो गई। बारिश इतनी तेज थी, हवा इतनी तेज कि मुझे दो बार दरवाज़ा बड़े ज़ोर से बंद करना पड़ा। अब मैं फिर से स्टोर के अंदर आ गया था। मैं अपने चकराए हुए सर को पकड़कर सोच रहा था, यहाँ हो क्या रहा है, कहाँ चली गई? वो चल कर गई है इस तूफान में जहाँ मेरे पाँव भी उखड़ रहे हैं। वो कमज़ोर सी बूढ़ी कहीं हवा में उड़ ना गई हो। मैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ चुका था और ख्याल बहुत सारे थे मन में, लेकिन फिर घंटी की आवाज़ आई। एक बार वो आवाज़ नहीं आई, कई बार आवाज़ आ रही थी। मुझे एक बार के लिए लगा कहीं वो बूढ़ी औरत दोबारा तो नहीं आ गई, कहीं वो लड़का दोबारा तो नहीं आ गया। बार बार मैं ये सोचे जा रहा था। फिर मैं देखने के लिए उस दरवाजे के पास गया। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा, वहां पर कई लोग थे, कुछ बूढ़े कुछ बच्चे। ऐसा लग रहा था जैसे बस भर के ही लोग यहां पर आ गए हों, लेकिन कस्टमर थे, अब मैं क्या कर सकता था। मैंने देखा कई लोग ऐसे थे जिनके कपड़े फटे हुए थे, कई लोग ऐसे थे जिन्हें चोट लगी हुई थी। पूरी की पूरी भीड़ हमारे इस ग्रॉसरी स्टोर के अंदर आ गई थी। हर किसी ने वो ट्रॉली उठा रखी थी। कभी भी इस ग्रॉसरी स्टोर में इतने लोग रविवार के दिन के सिवा नहीं आए। आज पहली बार रात को देखकर हैरानी हो रही थी। किसी के कपड़े गीले नहीं थे, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। और कड़कड़ाती बिजली, कैसे कैसे आखिर कैसे ये लोग डर नहीं रहे। हर कोई ट्रॉली लेकर इधर उधर सामान को देख रहा। 15 मिनट में देखता रहा, किसी ने भी ट्रॉली में कोई सामान नहीं रखा था। हर कोई कंफ्यूज, ऐसा लग रहा था जो वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा। अब मुझे लगा यहाँ कोई प्रैंक तो नहीं चल रहा, ये भीड़ आकर मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। हर कोई अजीब लग रहा, और फटे कपड़े वाले तो होमलेस लग रहे हैं, उनके पास तो पैसे भी नहीं होंगे। अब उनसे सवाल पूछता हूँ। एक ऐसा ही आदमी जिसके काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी हुई थी, उसने उस चोट पर पट्टी भी नहीं की हुई थी बल्कि फटे हुए कपड़े थे उसके। मैंने उससे सवाल किया, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ घूमने पर। मैं अब हैरान था और उससे फिर से सवाल किया, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? उसने कहा हाँ। मैंने कहा, यहाँ इतनी भीड़ आई है, आप आ कहाँ से रहे हैं? क्या कोई बस खराब हुई है जिससे एक एक करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं? उसने कहा, नहीं बस नहीं खराब हुई है, हम कहीं और से आ रहे हैं। ये सुनकर अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। कोई तो बात है जो वो मुझसे छिपा रहा था, बातें घुमा रहा था और उसका ध्यान चीज़ों पर, लेकिन देख देख कर चीज़ें रख रहा, किसी भी चीज़ को ट्रॉली में डाल नहीं रहा। उसके कपड़े इतने ज़्यादा फटे हुए थे, मैंने उसको कह दिया, क्या आप चीज़ खरीद भी पाएंगे, आपके पास पैसे हैं भी? उसने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहने लगा, पैसे पैसे तो नहीं है। ये सुनते ही मुझे लगा यहाँ तो गड़बड़ है, कहीं यह सामान चुराने के लिए तो नहीं आया। मैंने कहा, पैसे नहीं है तो आपको यहाँ कोई सामान मिलेगा नहीं? उसने कहा, सामान तो मैं लेकर जाऊँगा, पैसे नहीं है मेरे पास, यहाँ किसी के पास पैसे नहीं है, हो सकता है किसी एक के पास हो, बाकी सब खाली हाथ ही आए हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं हर तरफ देखने लगा। हर कोई गरीब भी लग रहा था, अमीर भी लग रहा था, लेकिन पैसे किसी के पास नहीं, कपड़े किसी के गीले नहीं, ये आ कहाँ से रहे हैं? तभी मैंने वो माइक उठाया और अनाउंसमेंट करने की कोशिश की। मैं बोला, आवाज़ उन स्पीकर से निकली ही नहीं। तब दिमाग में आया, यहाँ तो बैटरी से सब कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं तूफान के कारण। फिर मैं उस स्टोर के बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, आप देखिए जहाँ से भी आए हैं सब बिल्कुल सामने आ जाइए, मुझे लगता है आप गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ पर हर चीज़ का एक प्राइस है और आप एक साथ यहाँ नहीं आ सकते, मैं पुलिस को फ़ोन लगा दूंगा। मैं जानता था रेंज नहीं आ रही, मैं जानता था लैंडलाइन नहीं चल रहा, लेकिन डराने के लिए धमकी काफ़ी थी।
वो सभी लोग एक एक करके बिल्कुल सामने आना शुरू कर चुके थे। वो उस दरवाजे के पास भीड़ बनाने लगे। मुझे लगा था सब मेरी बात सुनने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जब सब वहाँ पर खड़े हो गए, उन सब ने अपनी ट्रॉलीज एक तरफ छोड़ दी थी। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। वो मुझ पर गुस्सा थे। अब मैं उन्हें कहने लगा, आप सबको बाहर जाना होगा, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, पुलिस जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाली होगी। पीछे से एक औरत बोली, पुलिस यहाँ नहीं आ सकती, अब कोई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ सिर्फ हम हैं और तुम हो। ये सुनते ही एक पल के लिए मैं घबरा सा गया, शायद वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डरूंगा नहीं। मैंने उनसे कहा, मैंने पुलिस को फ़ोन किया है, हाँ आप चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए, पुलिस जल्दी ही यहाँ पहुँचती होगी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपको पुलिस को पकड़वाता हूँ। वो औरत बोली, पुलिस तो आ ही नहीं सकती, कहा तो है यहाँ सिर्फ तुम हो, हम हैं, किसी फ़ोन की रेंज नहीं आएगी, कोई लैंडलाइन नहीं चलेगा, तुम बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, ये तूफान एक दीवार है, उस दीवार के पार कोई नहीं जा सकता। ये बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उसे कैसे पता है कि फोन नहीं चल रहे? आखिर वो सब कुछ जानती है, क्या उसे तूफान के बारे में भी पता है? शायद इसे पूरी वेदर रिपोर्ट मिल गई होगी। अब क्या करूं, कहीं ये मुझ पर हमला ना करें, कहीं ये मुझे लूटने की कोशिश ना करें, मुझे मारने की कोशिश ना करें। वो धीरे धीरे भीड़ चलती हुई मेरी तरफ आने लगी थी और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं पीछे हटने लगा। पास में ही एक बड़ी सी रॉड रखी हुई थी, ये यहाँ पर हमारे पास रखी जाती है ताकि कोई परेशानी हुई हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे ही हाथ में रॉड ली, मेरी हिम्मत बढ़ गई। अब मैं उन्हें धमकी दे रहा था। वो भीड़ थी और मैंने कहा, देखो मेरे हाथ में ये लोहे की रॉड है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, जल्दी से स्टोर से बाहर निकलो। वो भीड़ बिना कुछ बोले मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ते गए और मैं घबरा गया। अब सबसे आगे एक लड़का था जिसकी उम्र 8 से 9 साल रही होगी, काफ़ी छोटा सा था। उसके भी फटे हुए कपड़े थे और उसके सर के ऊपर चोट लगी हुई, टांके लगे हुए थे जो लाल रंग के थे, यानी ताज़ा चोट है। वो सबसे आगे था। मैंने हल्की सी रॉड घुमाई ताकि उसे ज़्यादा चोट ना लगे, लेकिन वो थोड़ा डर जाए। जैसे ही रॉड उसके चेहरे के करीब से घूमी, वो ज़रा भी नहीं डरा, उसने तो पलकें तक न झमकाई। ये बात देखकर मुझे लगा ये सब मिले हुए लगते हैं, ये मुझे पकड़ेंगे, बिल्कुल नहीं डर रहे। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, मैंने उसे धक्का दिया, वो भीड़ में पीछे जा गिरा। अब एक आदमी था, हट्टा कट्टा 40 साल का, उसका शरीर भी तगड़ा, लेकिन उसकी एक आंख नहीं थी, उसकी एक आंख बिल्कुल सफ़ेद। वो चलकर आ रहा। अब मैंने उसे कहा, मैं रॉड मार दूंगा, देखो मैं ये मारूंगा। वो कुछ नहीं बोला, तो मैंने उसके कंधे पर हल्की सी चोट मारी। इससे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन वो डरा ही नहीं। अब मुझे लगा वार तगड़ा करना होगा, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जो घुमाकर वो रॉड मारी उसके कंधे पर, इतनी ज़ोर से मारी थी कि हड्डी टूट सकती है, शायद उसकी बाजू की हड्डी टूटी भी होगी, लेकिन उसने रिएक्शन ज़रा भी नहीं दिया, जैसे दर्द हुआ ही ना हो। मुझे लगा अब ये मुझे घेर चुके हैं, वो बिल्कुल पीछे वाले सेक्शन में मुझे ले गए थे। एक बार और कहा मैंने, देखो मैं अब मारने वाला हूँ, तुम छोड़ दो मुझे। वो माने नहीं। मैंने वो रॉड घुमाकर उसके सर पर मारी। उसका जो सर था ना, वो पीछे की तरफ मुड़ चुका था, गर्दन की हड्डी शायद टूट चुकी थी, चीखा तक नहीं वो। वो बस अपने कदम आगे बढ़ाता रहा, उसके सर से खून तक ना निकला, जैसे पूरा खून सूखा हो उसका। अब मैं समझ गया, जैसे ये जिंदा नहीं कोई प्रेत है, ये तूफान कोई साधारण तूफान नहीं है, ये शक्तिशाली कोई शैतानी तूफान है जिसमें मुर्दा जिंदा हो चुके हैं। मैंने इसकी कई कहानियां सुनी थी, ऐसे तूफान जब आते हैं
अपनी शक्ति के साथ कई और शक्तियां जोड़ लाते हैं। अब उन्हीं शक्तियों से लोगों को भूत प्रेत नजर आते हैं, ऐसी कहानियां मैंने सुनी थी, कभी देखा नहीं था। आज आंखों के सामने ऐसा एहसास हो रहा था, मैं भागना शुरू हो गया। एक तरफ बूढ़ी औरत थी, मैंने वो रॉड उसके सर पर दे मारी, वो जरा सा पीछे हटी, मैं उस तरफ भागना शुरू हो गया। मैं जैसे ही आगे वाले उस सेक्शन में पहुंचा, वो बिखरने लगे थे, मुझे घेरने लगे थे और वो रैक पर रखे सामान को गिराए जा रहे, उसके ऊपर चढ़ते सामान को मेरी तरफ उठा उठा कर मारते, कपड़ों से उलझकर कई बार मैं गिरता। वो बूढ़ी औरत जो सबसे पहले आई थी, वो यहाँ फिर से मौजूद थी। अब वो कुबड़ निकला हुआ फिर भी तेज भाग रही, कई बार तो वो दीवार पर चढ़कर छलांग लगाती। मैं ये देखकर डर चुका था, भागने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कैद कर लिया गया हो। अब ये जो ग्रॉसरी स्टोर था, इसके पीछे कांच की दीवारें बनी हुई थी, ये काफ़ी मोटा कांच है ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है। अब मुझे लगा वो मुझे घेर चुके हैं, पास में ये कांच की दीवार है, इसे तोड़ दूं तो बाहर जा सकता हूँ। बाहर भले ही तूफान है, लेकिन इन प्रेतों से तो बच जाऊँगा ना। मैंने जल्दी से पास पड़ी वो कुर्सी उठाई, दो बार देकर मारी। अब उस कांच में दरारें आ गई थी, ये बुलेट प्रूफ कांच नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। मैंने हाथ की उस रॉड को भी मारा, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा था। पास में कुर्सी को दो तीन बार उठाकर मारा, लेकिन इतनी ज़्यादा दरारें मुझे आगे निकलने नहीं दे रही थी। पास में पड़ी एक सेटी जैसी थी, वो भारी सा ड्रॉर, उसे उठाकर जब देकर मारा, धमाके की आवाज़ आई। ये बड़ा सा धमाका था और पूरी की पूरी दीवार गिर गई। अब मैं छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागा। बाहर बिजली कड़कती जा रही थी और बादल देखे मैंने, बादलों के बीच नीले रंग की रोशनी दिख रही और बारिश इतनी ज़्यादा तेज, ऐसा लग रहा था ये चादर बनी हुई हो। मैं बस अब उस ग्रॉसरी स्टोर से भागना चाहता था, भले ही वहाँ चोरी हो जाती, भले ही वो प्रेत कुछ उठा कर ले जाती, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बचती ना। मैं भागा उस तेज़ आंधी में और हर जगह ऐसा लगता हवा मुझे उठा कर ले जाएगी, मेरे कदम उखड़ रहे थे, बार बार ऐसा लग रहा था यहाँ पर मैं उड़ने वाला हूँ। वो सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ हिल रही थी, वो पास में पेड़ हिल रहे थे, मैं भागे जा रहा था। भागता मैं जैसे उस बारिश से बाहर निकल आया, एक जगह सड़क के पास मैं सीधा भाग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था छिपना नहीं है, भागना है, लेकिन मैं जैसे ही उस बारिश से बाहर आया, वहाँ सड़क सूखी थी, बारिश की एक बूंद ना गिरी हुई, पीछे बारिश हो रही जो आगे की तरफ बढ़ती जा रही। मैं वहाँ बस 10 सेकंड खड़ा था, वो बारिश बहुत दूर चली गई, ऊपर बादल भी जैसे हवा में लोप हो गए, आसमान दिखने लगा था और कुछ ही क्षण में वो पूरे बादल छंट गए, बारिश गायब और पूरी सड़क सूखी हुई। जैसे ही मेरी जेब में फ़ोन वाइब्रेट किया, मैंने जेब से फ़ोन निकाला, रही जा रही थी। सबसे पहले तो मैंने ओनर को फ़ोन किया और सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने कहा वहाँ लोग आए थे लूटने के लिए, वो प्रेत जैसे लग रहे थे, मैंने मारा उन्हें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, शायद भूत ही थे। तूफान में रेंज भी नहीं आ रही थी, फ़ोन भी नहीं चल रहा था। उसने कहा तूफान, कौन सा तूफान, तूफान तो आया ही नहीं। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया, लेकिन मेरी बातों से वो भी डरा हुआ कि चोरी हुई है। रात के वक्त वो ओनर 4 लोगों के साथ और पुलिस वालों को कॉल करके वहाँ पहुँचा था। मैं भी जब उस जगह पहुँचा, कोई चीज़ हिली हुई नहीं थी। हम स्टोर के अंदर गए, पूरा स्टोर बिल्कुल सही सलामत, ना दीवार टूटी हुई, ना कोई ट्रॉली हिली हुई, सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था और वो मेरी तरफ देख रहा। मैंने कहा नहीं, यहाँ सामान के ऊपर से छलांगे लगा रहे थे, सब कुछ बिखेर रहे थे, वो प्रेत जैसे थे, प्रेत जैसे, और वो तूफान, बाहर बारिश बहुत तेज थी। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, वो रात भयानक थी जिसकी गवाही मैं दे रहा था, और मेरी बात पर यकीन करने वाला कोई नहीं। पुलिस वाले भी वहाँ पर आकर गए थे और कुछ ही मिनटों में चले गए,
जब सबूत ही नहीं मिला तो बात किसके खिलाफ की जाएगी। मैंने ये रात की घटना कई लोगों को बताई, एक महीने की छुट्टी भी ली, लेकिन इससे अच्छा काम मुझे कहीं और मिल नहीं सकता था। मैं भी क्या करता, एक महीने बाद उसी ग्रॉसरी स्टोर में नाइट शिफ्ट करने के लिए आया अपने एक नए साथी के साथ। अब नया लड़का वहाँ पर काम करने लगा था, मेरा दोस्त काम छोड़ गया था, शायद कहीं और उसे काम मिल गया। मैं उस ग्रॉसरी स्टोर में कई रातों रहा और मुझे डर लगता रहा कि वो फिर से आएंगे। वो फिर से आए ही नहीं। वो घटना मैं दोबारा महसूस नहीं कर पाया। मैं नहीं जानता क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो रात तूफान आया था जो शहर में किसी को नज़र नहीं आया, जैसे बस इस इलाके में ही आया था। वो बारिश की बूंदें भी जैसे गायब हो गई, वो लोग भी गायब हो गए, वो बादल भी गायब हो गए, और वो घटना भी बीतने के बाद वापस समय में जैसे पीछे ही पहुंच गई। मैं आज भी उस घटना को याद करके बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी जिसका मैं जिक्र भी किसी को करता हूँ, वो कहते हैं भूतिया दुनिया थी वो। जैसे बादलों की शक्ति असीम होती है जो अपने साथ बहुत शाप जोड़ लाती है, वो भयानक रात भी उन बादलों के साथ आई थी और कहीं चली गई। ये घटना हुए 1.5 साल हो चुका है, मैं अब भी उसी स्टोर में काम करता हूँ। अब छोड़ने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन वो रात भयानक दोबारा कभी नहीं बीती। मुझे अब भी इस सवाल का जवाब चाहिए, कहाँ से आए थे वो लोग और कहाँ चले गए। क्या आपके पास वो जवाब है?